कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई राजेश नौटियाल जी और इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय और जुझारू एवं कर्मठ विधायक जो जब भी मुझे मिलते हैं हमेशा बहुत प्यार से आएंगे, एक साथ 10 पत्र नहीं लाते, 2-3 लेकर आते हैं और कहते हैं भाई साहब ये 2-3 लाया हूं और ये कहेंगे कि भाई साहब मैं आज ये 2 या 3 बात आपके सामने लाया हूँ, इसको पूरा कर दीजिए। तो मैं कहता अच्छा भाई शक्ति कर देता हूँ, फिर 2-3-4 दिन बाद फिर आ जाते हैं, फिर एक कागज दिखाते कहते भाई साहब पे धीरे से मैं तो किसी और काम से आया था, अब ये काम भी लेके आ गया हूँ। जब भी आते हैं केवल अपने क्षेत्र की बात करते हैं। ऐसे हमारे बहुत लोकप्रिय विधायक मेरे भाई शक्तिलाल शाह जी, हमारे इस विधानसभा के प्रभारी अतर सिंह तोमर जी, जिला पंचायत की अध्यक्षा बहन सोजा सजवान जी, इनको भी बोलना था लेकिन अब ये कह रही है कि मेरे बदले आपको भी बोल देना। तो हमारी ब्लॉक प्रमुख बसुमती जी, वीरेंद्र सिंहवाल जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, चंद्रकिशोर मेठाणी जी, रघुनाथ सजवाण जी, रघुवीर सजवाण जी, ममता नौटियाल जी, राजीव कंडारी जी, कविता तिवारी जी मंडल अध्यक्ष, दिनेश गुसाई जी, मालचंद मिश्र जी, हयात कंडारी जी, सोहनलाल खंडेलवाल जी, परमवीर पवार जी, जयवीर मिया जी, ओम प्रकाश जी, राम कुमार कठेर जी हमारे विधानसभा के सह संयोजक एवं सभी हमारे मंडलों के अध्यक्ष, सभी जिलों के पदाधिकारी, सभी हमारे महामंत्रीगण, उनकी पूरी कार्यकारिणी और इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम प्रधान और बड़ी संख्या में आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सब लोगों ने मेरा यहाँ पहुंचने पर जिस गर्मजोशी से, जिस आत्मीयता से मेरे बड़े बुजुर्गों ने, हमारी माताओं बहनों ने, नौजवान साथियों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहाँ पहुंचा तो ये जो पवित्र भूमि है, ये बूढ़ा केदार धाम, भगवान हनुमान धाम, बलेश्वर महादेव, राज राजेश्वरी माता की पावन धरा, इस पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूँ, दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। और साथ ही एक बात बिल्कुल मेरे मन में कोई संदेह नहीं रहता, मेरा संदेह बिल्कुल था भी नहीं और यहाँ पहुंचने पर बिल्कुल साफ हो गया कि इस बार जब इस लोकसभा का परिणाम आएगा तो घनसाली विधानसभा क्षेत्र से भारी बहुमतों से पिछली बार के मुकाबले एक रिकॉर्ड यहाँ से कायम होने वाला है और कमल ही कमल मिलने वाला है। भाइयों बहनों, मैं देवभूमि की इस वीर धरा के लाल शहीद प्रवीण सिंह गुसाई जी की जन्मस्थली और वीर बलिदानियों की शौर्य की इस पुण्य भूमि को भी मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि इस बार, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है, ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार के चुनाव में आप किसी से देश के अंदर पूछेंगे कि भाई किसकी सरकार बनने वाली है तो लोग क्या कहेंगे, किसकी सरकार बनने वाली है। अरे इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं आप सब, पूरा देश बोल रहा है तो घनसाली की जनता इतना धीमा क्यों बोल रही है। सबको पता है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज आ रही है कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। इसी प्रकार अगर आप पूछेंगे कि टिहरी लोकसभा से कौन जीतने वाला है तो सब कहेंगे
माला लक्ष्मी शाह जी जीतने वाली है, भाजपा जीतने वाले हैं, मोदी जी जीतने वाले हैं, घनशाली से हमारे जो है विधायक जी जीतने वाले हैं, हमारे मंच पर बैठे हुए सब लोग हैं और आप लोग सब जीतने वाले हैं, क्योंकि इस बार का चुनाव आम जनता और सामान्य जनता लड़ रही है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए लोग सड़कों पर आ गए। कल मोदी जी रुद्रपुर आए थे और रुद्रपुर में बहुत ऐतिहासिक जन समर्थन वहां मोदी जी के प्रति लोगों ने वहां प्रदर्शित किया है। आज सारे कीर्तिमान ध्वस्त हो गए। दो दिन पहले सूचना आई कि मोदी जी रुद्रपुर आने वाले हैं। उन्होंने कहा मैं देवभूमि उत्तराखंड से विजय संगनाथ की शुरुआत करने वाला हूं। तो भाइयों बहनों, एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या में लोग वहां पहुंचे। और इतना ही नहीं, आज मैं मोदी जी का पैगाम भी आप लोगों के लिए लेके आया हूं।